चिंता नहीं करनी, भरा ते कट के खड़े तुम इंसाफ दवावे इतने रेहड़ी ढड़ी दवा अमनदीप कौर नाम है मेरा। मैं पहले स्टार्ट किया सीगा अप्रैल दे विच अपना काम स्टार्ट किया सीगा, फूड स्टॉल स्टार्ट किया सीगा शाटा जड़ा यूटीआई मार्केट है रेहड़ी मार्केट उत्थे मैं अपना फूड वेंडर का काम स्टार्ट किया सीगा, जो कि कारपोरेशन दे स्टेट ऑफिसर ने श्री की कहिंदे ने धर्मिंदर सिंह जी, उन्होंने मैंने इन्ना कु तंग परेशान इन्ना कु मैंटली टॉर्चर किया कि उन्होंने मेरा इन्ना नुकसान बिजनेस इन्ना नुकसान किया जो कि मैं छोटा जिहा खोलिया सीगा और इन्ना कु तंग परेशान करते ने मेरा जो रेहड़ी है उठा के लै जाते हैं मेरा समान उठा के लै जाते हैं और एक ही गल कहते भी जां तां तुसीं मेरे नाल सैटलमेंट करो या तो फिर तुसीं अपना समान लगाना बंद करो। और मैं उन्होंने को जो जाती हूँ भी अपना मेरा हूँ फिर मैं उतों थक हार के मैं इतने अपने घर के बाहर लॉन्च स्टोर से आके मैं लगाना शुरू किया ये काम तो इतों भी मैं मेरा समान उठा के लैके गए ने और एक ही गल कह रहे हैं भी या तो ये अड्डा छोड़ दो क्योंकि अड्डा मैं अपने किसी खास लई रखा होया तो या तो फिर तुसी मेरे ना सैटलमेंट कर लो और अगर सैटलमेंट नहीं करनी तो अपनी की कहिंदे ने एक एफीडेविट लिख के दो जिते तुसी कंप्लेंट फाइल कर कीती है और उहदे विच तुसी मेंशन करो एफीडेविट च भी मैं जो भी कंप्लेंट कीती है जो भी सारा कुछ मैं वापस लेंदी हाँ और प्लस तुसी जो रोजगार स्टार्ट किया वह भी बंद करो कि कोई रेहड़ी नहीं लगाओगे और कुछ नहीं करोगे इत्थे। टारगेट सर यही है भी मैं करप्शन का इन्हों का हिस्सा नहीं बनी, मैं विरोध किया इन्हों करप्शन के उपर इसलिए वो कल्ला मैनू ही टारगेट कर रहे हैं। ਕਿੰਨਾ ਪੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਐਂਡਲਾ ਹੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤਪੁਰਾ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਲਾ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਇਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰੇਹੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਬੀ ਕੌਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ,
इन्हें कहा मैं रिश्वत नहीं देनी, बराइब नहीं तुहानू कोई देनी, कानूनी जिहड़ी प्रक्रिया वो मैं भुगतण नूं तैयार हाँ, जो कोई सरकार की फीस आ वो मैं देण नूं तैयार हाँ, सारे डाकूमेंट इन्हें सरकारी तैयार कराए हैं जिहड़े भी लाइसेंस हुंदे सरकार दे रेहड़ियां वास्ते, पर वह ऑफिसर ने कहा कागजां की कोई वैल्यू नहीं, कागज़ चाहे तेरे कोई भी ना हो, डॉकूमेंट चाहे कोई भी ना हो, सरकार के कागजात की मैनू कोई लोड़ नहीं, मैनू तो सिर्फ पैसे चाहिए, रिश्वत चाहिए है। इस भैन ने रिश्वत नहीं दी, पहला 6 महीने का समान चुके लै के धक्के खाती रही दफ्तर के अद्धा समान इन मिल गया, अद्धा अद्धा खराब हो गया। उस तो बाद भैन ने कर्जा चुक के किसी के कोलों 40-50 हज़ार रुपए का समान बनाया, फिर इतने लारेंस रोड से डी मार्ट के सामने रेहड़ी लाई, उतों भी ऑफिसर चुक के लै गया कि मैं तेनों अमृतसर कितने भी रेहड़ी नहीं लाने देंगा जे तू मैनू रिश्वत नहीं देगी। इस भैन को बेनती इस भैन लैके गई अफसर के कोल पर कोई सुनवाई नहीं हुई, अज ये भैन असमर्थ आ हुण दोबारा समान लैण तो इन्हें 5-6 लाख का लोन भी चुकया होया है, वह भी इन्हू परेशान कर रहा है, किस्तां इहदियां टुट रही ने, प्राइवेट फाइनेंसरों को भी इन्हें पैसे लै रहे वह भी परेशान कर रहे हैं। अज ये भैन इतने धरने के उपर बैठी है अमनदीप कौर, असी इस भैन के नाल चट्टान वांगू खड़े हाँ, लोक राज लहर की टीम ये खड़ी आ, असी सरकार चन्नी साहब न चेतावनी देने, चन्नी साहब तुसीं कहिंदे रहो असी आम आदमी हाँ, पर आम आदमी का दर्द जिहड़ा वा वो तुहाडियां गल्लां नहीं, इत्थे आके देखिया जाणा, ये भी आम आदमी आ जिहदे कोलों तुसीं एक अनाउंसमेंट की सी कि कोई अफसर कोई रेहड़ी ना रोके, सड़कां दे विच रेहड़ी भी लाउंदा रेहड़ी ना रोके, क्योंकि मैं खुद रेहड़ी लाउंदा रहा, इस करके किसी गरीब नूं तंग ना किया जाए। मैं चन्नी साहब नूं बेनती करदा, चन्नी साहब ये किन्नी अमीर आ जिन्हें रेहड़ी लाई आ, ते अकली इस भैन की रेहड़ी नूं रोकिया गया, बाकी साइड ते सारी जगह रेहड़ियां लगियां ने उन्हां नूं कोई नहीं रोकिया गया, क्योंकि वह रिश्वत देंदे ने उन्हां नूं तां नहीं रोकिया गया। ये भैन ने विरोध किया कि मैं रिश्वत नहीं देनी, सरकारी फीसां देवांगी, पर इहनूं रोकिया गया। असी इस चीज़ की निंदा करते हाँ, तो सरकार को बेनती करते हाँ उस ऑफिसर सस्पेंड करके घर भेजो, तो वधिया ऑफिसर लगाओ, तो इस भैन की रेहड़ी लवाओ, नहीं तो लोक राज लहर की टीम वड्डा प्रोटेस्ट करेगी। सर अपना नाम? मैं सुखराज सिंह सूल, मुख्य सेवादार लोक राज लहर पंजाब तो। की मामला जी इस भैन का? साढ़े को भैन अमनदीप कौर का जोड़ा मसला आया कि बीकॉम पढ़ी आ, प्राइवेट नौकरी चंगी तनखा ना मिलने करके इस भैन ने काफ़ी महीने पहला अपना रुजगार शुरू किया, भ्रिष्ट अफसर धर्मेंद्रजीत सिंह ते राजकुमार जिहड़े कि म्यूनसीपल कारपोरेशन दे विच बतौर अफसर ने पहला इस भैन ने काम शुरू किया, तो उन्हां वल्लों रिश्वत की मंग की, यह रिश्वत का हिस्सा नहीं बनी, इस करके इस भैन का समान जिहड़ा कि पहला यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी के बाहर से उत्थों सारा चुक के उन्होंने जब्त किया, फिर इस भैन ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने समान उदों वापस किया जो गल गया, फिर इस भैन ने जिथे कि किराए पर रह रही आ इत्थे डी मार्ट लॉरेंस रोड दे सामने, इस भैन ने अपने घर के बाहर ही ये अपना रुजगार शुरू किया, तो अफसर ने यदा खैड़ा नहीं छड़िया कि जां ते तू मैनू रिश्वत दे नहीं तो मैं तेनू काम नहीं करन देना, कितने भी नहीं करन देना अमृतसर से किसी भी, भावें तू घर भी कोई ना कोई दोष ला के तेनू जिहड़ा तंग परेशान करना। कार्रवाई होनी चाहिए उस अफसर? देखो अफसर नूं ते मैं कहना कि घर बिठा दिओ, उन्हूं अकल भी आवे ते बाकी अफसरां नूं भी चानण होवे कि तनखाह दे नाल गुजारा करना आ, उत्तों रिश्वत नहीं लैनी, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही, सिर्फ सरकार जिहड़ी आ वह गल्लां ही कर रही आ। ये भैन ने जे अपना काम शुरू किया तो इन्हू भी तंग परेशान किया जा रहा। भैन कह रही है कि जे इंसाफ नहीं मिले तो सुसाइड कर। बिल्कुल जी, वेखो जे भैन ने 6 लाख रुपया करजा चुकया, पहला जिहड़ा काम किया भी करजा चुके किया, आ जिहड़ा काम शुरू किया यह भी करजा चुके किया कि इत्थों घर का गुजारा चलाया जा सके, तो करजे दीआं किश्तां लाइया जाए। टीम वालों की कार्रवाई? साडी टीम वालों जिहड़ी पहलां ते अफसरां नूं जिहड़ी अपील की जाती है, सीनियर अफसर जिहड़े मानयोग मेयर साहब ने, कमिश्नर साहब ने, मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने, कि इस मसले ते फौरन ही जिहड़ा गौर किया जाए, ये ना होवे कि तुसी लेट हो जाओ तो यह भैन आत्महत्या कर दे, बाद च असी मोमबत्तियां जगाउंदे रहीए। सो चेतावनी भी नाल आ कि इस मसले नूं हल किया जाए, उन्हां भ्रिष्ट अफसरां नूं नौकरी तो घर भेजा जाए, इस भैन नूं समान भी वापस दवाया जाए, तो उत्तों इहदी हैल्प भी सरकारी तौर पर की जाए, तां वड्डे पद्धर ते जिहड़ा रुजगार चलावे, क्योंकि समाज सेवा के काम भी कर रही है।